हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है पोस्ट वार्स डाइल्यूशन लॉ। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनके एक्वस सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। इस लॉ में क्या बोला गया कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ओके, समझ गए बच्चों कि इस लॉ में क्या बोला गया है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनके एक्वस सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही मैंने लिखा है यहां पर कि इट्स गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, तो यदि हम यहां पर ये लें कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरह से भी लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ वॉल्यूम बिकॉज सी इज इक्वल टू 1/v। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो वॉल्यूम के इस तरह से रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो अब हम इस रिलेशन को प्रूफ करके देखेंगे और इसका एक पूरा डेरिवेशन लेंगे। ओके, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं और अब हम आ जाते हैं इस लॉ के एक पूरे डेरिवेशन में कि किस तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ओके, तो हम ये मान लें कि सपोज 1 mole of electrolyte, weak electrolyte, समझ गए बच्चों, dissolve in weak volume, V liter, ठीक है, V liter volume of solution, समझ गए बच्चों कि 1 mole electrolyte लिया गया है और उसे V लीटर वॉल्यूम वाली सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा गया है। तो यहां पर ले ले एक इलेक्ट्रोलाइट है Ba, आयनाइज्ड होगा V प्लस प्लस 1 माइनस, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 1, ये 0 है 0, जब क्या है बिल्कुल इनिशियल स्टेट। फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेट आई तो अल्फा इससे डिसोसिएटेड हो गया, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा। ओके, एट इक्विलिब्रियम स्टेट 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, ये क्या हो गया बच्चों इसका एक्टिव मास। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ओके, ये भी क्या है बच्चों, इसी को भी हम एक्टिव मास बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म। तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में कि वी प्लस का एक्टिव मास, ए माइनस का एक्टिव मास, बी ए का एक्टिव मास। हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो इनके एक्टिव मास और इनके एक्टिव मास का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। समझ गए बच्चों, तो ये इनके एक्टिव मास है, मींस हम यहां एक्स ऐसा लिखें तो बी का एक्टिव मास कितना हो गया बच्चों सी अल्फा इंटू, इसका एक्टिव मास कितना हो गया सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया कि एक सी से सी हट जाएगा तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस रिलेशन को बच्चों बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, पहले तो ये बता दूं ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है बच्चों यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी क्या है यहां पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहां तक आप समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल था। आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसको आयनाइज्ड किया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ले ली,
फिर उसमें से अल्फा मोल्स डिसोसिएटेड हो गए, तो इनके अल्फा, ये अल्फा अगर यहाँ कुछ होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते, ये इनके एक्टिव मास में चेंज किया, ये भी एक्टिव मास है, फिर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वेशन में वैल्यू पुट अप की, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। ओके, अब देखो और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हम इसको, कि देखो जब कॉन्सेंट्रेशन काफी हो, 5% से ज्यादा की कॉन्सेंट्रेशन हो, तो हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल नहीं करते, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वन माइनस अल्फा, या अल्फा जो होता है, मतलब ये जो है अल्फा वेरी लेस देन वन, तो वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू हम वन लेते हैं। बहुत कम भी इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी लेस, ठीक है, डिसोसिएटेड, स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएटेड होते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ओके, और देखो इसको हम क्या बढ़ा सकते हैं इक्वेशन को, इस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी, या अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, वन अपॉन सी, या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सी ऑफ रूट, ठीक है। तो यहां यही हमें प्रूफ करना था, सी इज इक्वल टू वन अपॉन बी, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। तो देखो अभी आपको मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रूट ऑफ वॉल्यूम, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इस इक्वेशन से हम एक रिलेशन, तो ये है कि दस, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा वन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो एक रिलेशन और बता देता हूं, अभी आपने ये देखा कि ये रिलेशन तो तब यूज होता है जब आपने देखा कि जो सॉल्ट था वो ए बी टाइप का हो। अब सपोज ऐसा सॉल्ट है बी एक्स ए वाई आयोनाइज हुआ, एक्स वी वाई प्लस वाई ए एक्स माइनस, ओके, ये चार इसके ऊपर, ये चार इसके ऊपर, इसके नंबर ऑफ आइन एक्स के बराबर, इसके नंबर ऑफ आइन वाई के बराबर, एक्स वी के ऊपर वाई प्लस वाई ए एक्स माइनस, ओके। अब हम इसका एक्टिव मास 1 था, तो ये 0, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा x अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा y अल्फा, ये 1 माइनस a अपॉन v, x a अपॉन v मतलब अल्फा, y अल्फा अपॉन v, और c 1 माइनस अल्फा, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों c x अल्फा सी वाई अल्फा। अब हम के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट लें तो क्या लिख सकते हैं, सी एक्स ए पावर एक्स सी वाई ए पावर वाई अपॉन, यहां जाएगा सी वन माइनस अल्फा। यहां तक बात समझ गए होंगे। और आगे देखो, अब के इज इक्वल टू, यहां पर c की पावर हो गई x प्लस वाई और एक c नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा c का पावर x प्लस वाई माइनस वन इंटू, यहां x की पावर x, y की पावर y, और c का आपने देख लिया, और a का पावर मतलब अल्फा का पावर, अल्फा का पावर, तो यहां आ जाएगा अल्फा का पावर x प्लस वाई इंटू, और देखो बच्चों यहां हो जाएगा x का पावर x, y का पावर y अपॉन में 1 माइनस अल्फा फॉर वी इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 माइनस अल्फा को हम 1 लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा c x प्लस y माइनस 1, ठीक है, a का पावर हो गया x प्लस y और x की पावर x
y का पावर y या a का पावर x प्लस y इज इक्वल टू k अपॉन, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, c x प्लस y का माइनस 1 इंटू x का पावर x y का पावर y। ये रिलेशन है जब x और y मतलब जिसमें नंबर ऑफ आइंस एक से ज्यादा बन रहे हो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, H2SO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो इनमें इस तरह का रिलेशन आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक ओस्टवाल्ड एडिशन लॉ है फॉर मल्टी प्रोटोनिक या मल्टी आयनिक स्पीसीज के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहां तक मैं हटा देता हूं, एक और रिलेशन ले लेते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कि आपको इलेक्ट्रोलाइट के आयन की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उनको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, यहां से फिर ले लें हम वी एक्स ए वाई इक्वल एक्स वी वाई प्लस वाई ए एक्स माइनस। ओके, ये था 1 माइनस अल्फा, अभी आपने देखा था, तो ये था। हम यहां पर दो बच्चों एस एक अभी सिंपल सॉल्व से लेते हैं, बी ए बी प्लस प्लस ए माइनस। ओके, यहाँ पे मैं एक सिंपल शॉट लेंगे, सी वन माइनस अल्फा, तो सी अल्फा सी अल्फा। ओके, तो देखो अभी आपने देखा बी प्लस का एक्टिव मास है सी अल्फा, या तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं सी आपको क्या रखना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, एंड अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कई बार अल्फा आपको परसेंटेज में दे रखा होता है, तो ध्यान रखें अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन में क्या कर दोगे आप 100, जैसे 20% डिसोसिएशन है तो अल्फा हो जाएगा 20 अपॉन, ऐसा लिखा है सपोज 20% डिसोसिएशन। ओके, तो अल्फा क्या रखोगे बच्चों आप 20/100। ओके, यहां तक बात समझ गए, और आगे बढ़ा सकते हैं हम, बी प्लस इज इक्वल टू, अभी आपने अल्फा का एक रिलेशन देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए के अपॉन सी, यहां एक रिलेशन था, तो बी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, सी और के अपॉन सी, तो बी प्लस इज इक्वल टू यहां हमारे पास हो जाएगा रूट के इंटू सी। यहां तक समझ गए, ये जो आ जाएगा ये किसमें होगा, मोल पर लीटर। जस्ट ऐसा ही ए माइनस का कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या लगेगा, के इंटू सी, मोल पर लीटर। तो यहां से आप अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिव मास हो पता और सी अल्फा इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के आइंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इन रिलेशंस का यूज कर सकते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, एक रिलेशन और बता देता हूं, पहले आप इतना नोट कर लें और इनसे रिलेटेड मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो यहां देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर आंसर में आते हैं कि वी गिवन वैल्यूज जो देखोगे आप कि वैल्यू सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कहां है 0.1 मोलर, सी है 0.1 मोलर, मींस 0.1। ओके, अल्फा देखो आप 5% मतलब 5/100 मींस 5×10^-2, कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप k = c अल्फा स्क्वायर, बस यही रिलेशन ले रहे हैं, 1 माइनस अल्फा की जरूरत नहीं है,
लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। सी आपको तो कितना है, आप देखें यहाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस टू, तो टेंस टू दी पावर माइनस टू इंटू फाइव इंटू टेंस टू दी पावर माइनस टू और इसका स्क्वायर। ओके, तो टेंस टू दी पावर माइनस टू इंटू 25 into 10 to the power 4, तो ये कितना आ गया बच्चों 25 into 10 to the power minus 6 या 2.5 into 10 to the power minus 5। तो यहां तक आप समझ गए होंगे फर्स्ट का आंसर, तो आप इसे नोट करें। अब हम नेक्स्ट में आ गए। ओके, यहाँ पर अब 1 माइनस अल्फा रख के भी कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा पॉइंट में आएगा अंतर, डिफरेंस 2.6 इनटू 10 टू द पावर, मतलब आप जब के इससे कैलकुलेट करोगे सी अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, ये वाला रिलेशन लेके तो इसके सॉल्यूशन में जब आप इसका यूज करोगे, ओके, ये जो है आपका रिलेशन सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी, तो इस रिलेशन से ये आएगा 2.6 into 10 to the power minus 5 के आसपास। तो आप सिंपल ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए इतना कैलकुलेशन सफिशिएंट है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Ba Ka या K दे रखा है, K दे, तो आपको K दे रखा है, K है 4 into 10 to the power minus 10। C कैलकुलेट कंसंट्रेशन कितने बच्चों, 10 to the power minus 2। अब आप जानते हैं कि B plus की कंसंट मतलब Ba सॉल्ट है, Ba आयोनाइज्ड होगा B plus A minus, तो हमें B plus कंसंट्रेशन तो हम जानते हैं कि root K into C। तो आपको वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू देखो बच्चों आपको कितना है, K डिसोसिएशन कांस्टेंट है 4, ये है हमारे पास 4 into 10 to the power minus 10 into C, सॉरी यहां पर C आएगी कंसंट्रेशन, ठीक है, ये मैंने पहले रिलेशन बता दिया है, C कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 2 और आ गया है V plus is equal to, तो ये हो जाएगा root 4 into 10 to the power, ओके 12, तो v प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा root 4 का वैल्यू तो हो गया 2 और इसका हाफ तो 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। ये इनका क्या होगा बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप यहां तक लिख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, बिल्कुल सेम फर्स्ट और ये सेम है, मींस Ha टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है H प्लस एंड A माइनस, आपके पास कंसंट्रेशन है K, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, सीधा लें C आपको वैल्यू दे रखी है, कहां बच्चों ये है, तो C आप यहां देखें 10 टू द पावर माइनस 2 इनटू 0.001%, मींस यहां पर ध्यान रखें अल्फा हो जाएगा 0.001 अपॉन 100। ओके, ये हो गया। अब आप अगर ये वैल्यू देखें तो ये लिख सकते हैं -3 और ये ऊपर जाएगी -2, मींस आपके पास है 10 टू द पावर -5, तो यहां हो जाएगा 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों 10 टू द पावर -12, ये आएगा आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ फोर्थ नंबर का, फोर्थ में आपको दे रखा है के ऑफ एसिटिक एसिड इतना है, कंसंट्रेशन H+ इतना है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो देखो बच्चों एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड होगा गिव्स एसीटेट आयन प्लस H+ आयन, तो ध्यान रखें कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन और H+ कंसंट्रेशन सेम होगी, मींस ये होगी हमारे पास 3.4 into 10 to the power 4। तो अब हम एक रिलेशन लेंगे के इज इक्वल टू के एस के इज इक्वल टू CH3COO- H+ अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों CH3COOH, ये रिलेशन देखो। अब आप यहां पर CH3COOH गिव्स CH3COO- और ये क्या है H+, ये है 1 माइनस अल्फा, सपोज ये है इनिशियल कंसंट्रेशन A, हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को M मान लें, M से
अल्फा माइनस हो रहा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा देखो बच्चों आपको बात ये है 3.4 × 10⁻⁴। जो आयोनाइज्ड हो गया, जो कंसंट्रेशन इसके आयोनाइजेशन से बनी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, के हमारे पास दे रखा है, कहाँ है बच्चों के, तो ये है 1.7 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3.4 × 10⁻⁴ इंटू 3.4 × 10⁻⁴ अपॉन एम माइनस 3.4 × 10⁻⁴। बस अब आपको एम कैलकुलेट करना है, यही मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, एसिटिक एसिड की इनिशियल। तो यहां तक समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट के ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन एंड 2% डिसोसिएटेड। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड का जब आयोनाइजेशन होता है तो देखो बच्चों C2H2C2O4 गिव्स आयोनाइज्ड होकर और H2++C2O4-2। ओके, ये इसका आयोनाइजेशन होता है। अब यहां देखो बच्चों, यहां है 1 - अल्फा, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा और अल्फा, 1 - अल्फा अपॉन सी, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा सॉरी बी, तो यहां हो जाएगा 2 अल्फा और अल्फा अपॉन बी, या सी 1 - अल्फा सी 2 अल्फा सी और अल्फा। ओके, यहां तक बात समझ गए होगे आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हम के इज इक्वल टू या के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये हो जाएगा C2A। यहां पहले आप ऐसा लिखोगे ना बच्चों H प्लस का स्क्वायर C2O4-2 अपॉन H2C2O4। ओके, यहां तक बात समझ गए ना, ये हो गया। और बढ़ जाए H प्लस, ये जो जो है बच्चों ये किसका एक्टिव मास हो गया, H प्लस का, ये किसका एक्टिव मास हो गया C2O4 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा C, या हम ऐसा लिख दें 2C अल्फा इसका स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा C अल्फा, ओके, अपॉन C 1 - अल्फा और 4C का स्क्वायर A का स्क्वायर इंटू, यहां से एक C कैंसिल कर दे बच्चों, तो यहां हो गया इंटू A क्यू हो जाएगा बच्चों, ओके, और 1 - A, हम यहां पर 1 - A को 1 मानेंगे कैलकुलेशन, तो 4C² A³, ये हमारे पास रिलेशन आया डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। अब हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो 4C का वैल्यू यहां पर ध्यान से देखें, C कितना है बच्चों, C है मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.02। ओके, अल्फा कितना लेना है आपको 2/100, तो K इज इक्वल टू 4 इंटू C का वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻²² का स्क्वायर इंटू, ये है हमारे पास 2 × 10⁻²। ओके, 2% है ना वो, और इसका पावर हो गई Q, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁴ इंटू 2³ मीन्स 8 और 10⁻⁶, और आगे सॉल्व कर लो आप, जो आंसर आएगा यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर।